दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं या आपने गलत कोई पेमेंट कर दिया, तो उस पैसे को आप कैसे वापस ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जब भी आपसे कुछ इस टाइप का इंसिडेंट हो जाए, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए या आपने कोई पेमेंट ऐसा किया जो गलत किसी और अकाउंट में चला गया, तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपको इस वाले वेबसाइट पर आना है, या फिर आप जो है यहाँ पे दिए गए नंबर पर, जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं, 1930 पर कॉल कर सकते हो या cybercrime.gov.in पे आप आ सकते हो। जैसे आप अपने मोबाइल में गूगल पे खोलोगे तो उस पर लिखोगे साइबर क्राइम, तो ये पहला वाला जो वेबसाइट आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना, साइबर क्राइम पोर्टल। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको रजिस्टर कंप्लेन दिखेगा, तो यहाँ पे तीन तरह के साइबर कंप्लेन रजिस्टर किए जाते हैं। एक वोमेन चिल्ड्रेन रिलेटेड क्राइम, जैसे मान लो कोई वोमेन है, कोई बच्चा है, उससे रिलेटेड कोई पोर्नोग्राफी हो या कुछ उसका न्यूड पिक इस टाइप का कुछ ब्लैकमेल किया जाए कि उस फोटो उसका सोशल मीडिया पे वायरल किया जाए, तो इस टाइप का। दूसरा फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है। तो आपको जो है अदर क्राइम रिलेटेड, वही जो भी क्राइम आप सीधा सब समझो कि साइबर क्राइम उसको बोलते हैं, जो भी आपका इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी क्राइम होता है उसको साइबर क्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको फाइनेंशियल फ्रॉड में आपको आ जाना है, क्योंकि आपका फाइनेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, आपका पैसा गायब हो गया हो या पैसा आपका इधर उधर चला गया हो या आपके साथ फ्रॉड हो गया हो, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रॉड में रजिस्टर कंप्लेन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, तो आपको यहाँ पे फाइल कंप्लेन पे क्लिक कर देना है। फाइल कंप्लेन पे क्लिक करने के बाद ये कुछ टर्म एंड कंडीशन आते हैं, उसको आई एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करने के बाद जो है आपको इस टाइप का इंटरफेस होगा। अगर आपने पहले भी कभी कंप्लेन डाला हो तो आप डायरेक्ट लॉगिन आईडी, जो कि आपका मोस्ट प्रोबेबली ईमेल आईडी होता है, मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद ओटीपी नंबर पे आएगा, कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। लेकिन आप पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर पे। उसके बाद ना यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद लॉगिन आईडी जो कि ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद ओटीपी आके लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो हम एग्जिस्टिंग यूजर पे जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी डाल देते हैं, जो हमारा लॉगिन आईडी है जो मैंने पहले से बनाया हुआ है, मतलब जो भी आपका ईमेल आईडी होगा वही लॉगिन आईडी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना ईमेल डाल लेते हैं। उसके बाद जो है आपको मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, मोबाइल नंबर पे ही आपके ओटीपी आएगा, ठीक है। तो ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। जब तक हम ओटीपी आता है तब तक हम आपको ओटीपी कैप्चा फिल कर लेते हैं। वैसे ओटीपी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको कैप्चा फिल कर लेना है, ठीक है। कैप्चा ध्यान से करना है, क्योंकि अगर गलत होगा तो दिक्कत होती है। ठीक है, कैप्चा फिल कर लिया मैंने। उसके बाद जो है आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना। तो सबमिट पे आप जैसे क्लिक करोगे आपका पोर्टल जो है लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन हो गया, तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आपको कैटेगरी ऑफ कंप्लेन, मतलब आधार इनेबल सिस्टम से हुआ है या बिजनेस ईमेल वगैरह से हुआ है या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से हुआ है, सिम स्वैप फ्रॉड हुआ है, डीमैट अकाउंट में आपके फ्रॉड हुआ है, ई वॉलेट से रिलेटेड फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड कॉल मतलब कॉल पे आपको कोई कॉल किया और ओटीपी लेके फ्रॉड किया, इंटरनेट बैंकिंग से हुआ हो या यूपीआई रिलेटेड से हुआ, ठीक है। इससे जो जिस भी तरीके से आप हो, जैसे हमने यूपीआई पेमेंट किया हो या इंटरनेट बैंकिंग के तरीके से हुआ, जो भी होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे मोस्ट प्रोबेबली जो है डेबिट क्रेडिट कार्ड या मोबाइल पे कॉल करके ओटीपी लेके कर लेते हैं, ठीक है। तो हम डेबिट क्रेडिट कार्ड या मोबाइल को कॉल फिशिंग करके सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है कितना आपका पैसा लॉस्ट हुआ है, अगर लॉस्ट हुआ है तो यस पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको डिटेल आपको मतलब आपको फिल करना है, आप अपना, जैसे यहाँ पे मांग रहा है विक्टिम डिटेल, तो विक्टिम मतलब आपको अपना डिटेल यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सस्पेक्ट का अकाउंट डिटेल है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। उसके बाद डिले आपने किया है रिपोर्टिंग करने में, अगर थोड़ा टाइम लगाया हो तो यस करना, ठीक है। उसके बाद कितना टाइम लगाया वो आपको डिले का लिख देना, ठीक है। सेफ एंड ड्राफ्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सस्पेक्ट डिटेल में आपको आ जाना है, सस्पेक्ट डिटेल आगे कंप्लेंट डिटेल्स में आपको आ जाना है, कंप्लेंट डिटेल आके उसके बाद प्रीव एंड सबमिट को, मतलब आपको जो है ये पूरा फॉर्म फिल कर लेना है,
ठीक है, तो प्रीव्यू एंड सबमिट करके अब जो भी ये फॉर्म होगा आपको सारी डिटेल्स भर के, भरने के बाद जो है आपको ये एक सेकंड, जैसे हम आपको दिखाते हैं कि हम नो पे क्लिक करते हैं, फिर हम जो है यहाँ भी नो पे क्लिक करते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको सेव एंड ड्राफ्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको मांगा जा रहा है। तो आप जब ये सारे डिटेल्स करके जब भर दोगे, भरने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक कंप्लेन नंबर मिल जाएगा। कंप्लेन नंबर मिलने के बाद जो है आपको जो है मतलब पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा, वेरिफिकेशन कॉल। वेरिफिकेशन कॉल करने के बाद, आने के बाद जो है सबसे बड़ा जो गलती लोग करते हैं कि लोग जाते नहीं, आपको दोबारा दूसरे दिन आपको थाने जाना है। थाने पे जाने के बाद जो भी आपका अमाउंट, वो जो आपका अमाउंट कटा है, जो आपके अमाउंट में फ्रॉड हुआ है, उसको होल्ड पे करवाना है। होल्ड पे करवाने के बाद उस बंदे का डिटेल लेना है बैंक से, और उस बंदे को कॉल करके बोलना है कि आपके अकाउंट में मेरा फ्रॉड से गया, मैंने होल्ड करवा दिया, अगर आप चाहते हो ये मुझे रिफंड कर दोगे तो मैं आपका होल्ड हटवा दूंगा, आप मुझे पैसा रिफंड कर दो। अगर कर देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको बैंक थाने जाना है। थाने से जो है कुछ एक प्रोसेस होता है जिसके वजह से आपको पैसा रिटर्न हो जाता है। और दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आपको कोर्ट जाना होगा, कोर्ट से ऑर्डर पास करवा के लेके आना होगा। जब वो कोर्ट ऑर्डर आप पास करके ला के दोगे तो बैंक जो है वो जो भी पर्टिकुलर अमाउंट होगा वो जहाँ से आया था, मतलब जिस अकाउंट से कटा था, उस अकाउंट में भेज देगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका भी पैसा फ्रॉड हुआ है और आप भी चाहते हो कि आपका पैसा वापस आ जाए, तो अगर आपसे हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो है इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।